जी एकदम इधर आ जाए जी आएंगे चले आगे हम जी I'm trying to explain in English to how the world can understand as well. I'll give you the story. ये चर्च जो है 150 साल पुराना है 150 साल पुराना चर्च है वेरी ट्रेडिशनल कैथलिक चर्च और अनफॉर्चुनेटली 6 ईयर्स अगो इसको आग लग गई थी दिस इज द ओरिजिनल इसका जो है ना वो वुडन फ्लोर था हर चीज जो है ना वो वेरी ट्रेडिशनल था ये ठीक है और 6 साल पहले इसको आग लग गई थी और इतनी ज़्यादा आग लगी थी कि 6 फायर इंजन भी इसको बुझा नहीं सके थे क्योंकि ये सारा वुड था फर्नीचर ओक का होता है हमारा चर्च का तो एकदम से वो ब्लेज हो गया था तो वी वर लेफ्ट विद द शेल ठीक है सारा कुछ खत्म हो गया था पिलर्स वगैरह सारा कुछ मेल्ट हो गए थे और ये सारा जो फिर आई जॉइन समवेयर हियर एंड दे वर पुटिंग द रूफ 3 साल पहले जो जी तो ये कम्युनिटी फादर कैन डेविड वाइट ही सर्वड इस चर्च में और एक और चर्च है 53 ईयर्स एज अ पैरिश प्रीस्ट 53 ईयर्स तो अभी वो इसी साल रिटायर हुए तो इनकी बड़ी कोशिश थी कि ये चर्च दोबारा से बने और नेक्स्ट डोर डोर जो हमारे बच्चे हैं स्कूल के तो देवर शाउटिंग जब वो देखा उन्होंने तो दिस इज आवर चर्च डोंट डिस्ट्रॉय एंड डोंट वी वांट आवर चर्च बैक तो कम्युनिटी ये ने मिल के जो है ना दोबारा से तो हमने तकरीबन इस चर्च को बनाने के लिए 5 मिलियन पाउंड दरकार थे तो लकीली वी गॉट दैट मनी और ये सारा जो है ना अभी नए सिरे से बाहर का फीचर चूंकि ये लिस्टेड बिल्डिंग है और हम लोग इसको जो है ना वो रखना चाहते थे ट्रेडिशनल 150 ईयर ओल्ड लुक जो है वो देना चाहते थे